नमस्कार दोस्तों, देखिए एक सैमसंग की रेफ्रिजरेटर है, तो इसके जो सेंसर होती है वो हमें चेक करना है। तो आप कैसे आसानी से सेंसर चेक कर पाएंगे आज आप लोगों के सामने ये मैं दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो रेफ्रिजरेटर है पूरा इसका ये पपरोटर है। तो देखिए ये जो इसका सेंसर होता है, ये है सेंसर, ये है इसका फ्यूज, और ये होता है इसका फैन का लाइन, और इस पे फैन है थर्मोस्टेट, इस पे और एक सेंसर है जो कूलिंग के लिए सेंसर है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो सेंसर है, और ये जो बायोमेटल सेंसर कहा जाता है कूलिंग के लिए होता है, जो इसका टेम्परेचर का जो डिफ्रोस्टिंग सेंसर होता है। तो ये जो डिफ्रोस्टिंग सेंसर है, और नीचे आप देख पाएंगे इसका अंदर एक हीटर है। तो आप इस सेंसर को कैसे चेक कर पाएंगे, अगर आपके सेंसर में कुछ फॉल्ट आ गया है तो सेंसर से ही ख़राब है। तो आज मैं ये दिखाऊंगा कैसे आप सैमसंग की रेफ्रिजरेटर की जो सेंसर होती है उस सेंसर को आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो चेक करने के लिए पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, खोलने के बाद इसका जो सेंसर है सेंसर को पूरी तरह चेक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चेक किया जाता है सैमसंग की जो सेंसर होती है उस सेंसर को। देखिए मेरे हाथ पे सेंसर है, सेंसर को कैसे चेक किया जाता है ये देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो सेंसर है, सेंसर मैंने इसे खोल लिया है, इसका जो कवर में था कवर में से सेंसर खोल लिया। तो देखिए सेंसर खोलने के बाद जब इसे मेजरमेंट ओम्स मीटर जो मेरा मीटर है मीटर में लगाया है, तो इसका देखिए जो इसका नॉर्मल वेदर है, नॉर्मल वेदर में टेम्पर इसका जो ओम्स है वो 5.46 इस ओम्स है। तो ये सही है ख़राब है, तो इसे चेक करने के लिए आपकी जो उंगली है आपको उंगली से इसे रगड़ना होगा, इसे रबिंग करना होगा। तो देखिए जब मैं इसे उंगली से रगड़ रहा हूँ तो इसका जो ओम्स है वो घटना शुरू हो गया। देखिए पहले कितना था और अब ये इसका ओम्स कितने पे आ गया है। तो आप देखिए ये जो ओम्स घटते जा रहा है। तो देखिए जब अगर अगर इसे रगड़ना हम बंद कर देते हैं तो इसका जो पहले जितना ओम्स था उस ओम्स में इसे पहुंच जाएगा। तो देखिए मैंने छोड़ दिया, अभी छोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसका जो ओम्स है, ओम्स 79 1881 इसका जो ओम्स है, ओम्स अभी जो इसे घटा था वो अभी बढ़ना शुरू हो गया। तो इसका देखिए जो फ्रेंड्स जब भी आप इस सेंसर को चेक करोगे, अगर इसे हाथ से उंगली से रगड़ने से या गर्म या ठंड पानी में देने से इसका जो ओम्स है ओम्स में काफ़ी चढ़ाव उतार उतार होती है, तो आप उसे समझोगे कि ये जो सेंसर है बिल्कुल ठीक है, वरना आपकी जो सेंसर होती है सेंसर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तो आप इस तरह उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके बारे में और कुछ भी जानना है या मुझे सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है दोस्तों के साथ। इस वीडियो को बहुत बहुत से शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके और उसे भी इसे आसानी से काम कर पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।